हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो हम कोई काउंसलिंग के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है। जो भी बच्चे बीएस फर्स्ट ईयर के हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनकी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी जो काउंसलिंग की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, और जो भी पहली बार चैनल पर देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर देते हैं, और हमारा जो एक और चैनल है, ठीक है, एडमिशन सपोर्ट के नाम से, उसको भी जो है आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये हमारा अभी काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने चैनल बनाया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये हमारा जिसमें हमारी सभी वीडियो आती रहेंगी काउंसलिंग वाली। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं पता है जिनको पहले, ठीक है, प्ले लिस्ट के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी जो है अपने क्रिया और रचना के करवा दिए हैं टॉपिक, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम आज चैप्टर करने वाले अपना गुड, ठीक है, जो हमने द्रव का छोड़ा हुआ था चैप्टर, वहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने मन ख़त्म कर लिया था चैप्टर से, तो मन हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है, गुण वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 8532 059 749, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा 8532 059 749, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम गाइस अब अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, और आपको जो है चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको भी ये नोट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर लग जाएगा आपको, ठीक है, 8532 059 749। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। बाकी चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुण क्या होते हैं, देखिए परिभाषा इसकी है, द्रव्य में पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत्र, उष्ण आदि भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। यानी कि जो भी क्वालिटीज़ हमारी द्रव के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, आपको पता है द्रव और कर्म गुण में आश्रित रहते हैं, तो उनमें से हमारा आप गुण चैप्टर है। तो गुण क्या होते हैं, जो द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे गुरु हो गया, शीत हो गया, उष्ण आदि भौतिक धर्म है, ठीक है, उनको गुण कहते हैं। हमारी नियुक्ति क्या है, यहाँ पर नियुक्ति है हमारी गुण आमंत्रण धातु से अपनी है इसकी निरुक्ति, ठीक है, इसकी निरुक्ति हमारी गुण आमंत्रण धातु से होती है। गुण्यते आमंत्रित लोक अनिन गुणा, इसके द्वारा लोग द्रव की ओर आकर्षित हों उसको हम गुण कहते हैं। अब इसके हमारे लक्षण क्या है, थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ साइज का पॉइंट का, ठीक है। सो इसके लक्षण क्या, हमारे लक्षण है हमारे समवाय निश्चेष कारणम गुणा, ठीक है, जो द्रव में आश्रित हो तो तथा समवाय संबंध से रहे द्रव व कर्म से पृथक हो। यानी कि जो भी हमारा द्रव के अंदर रहता है, ठीक है, जिसमें समवाय संबंध क्या होता है कि ऐसा संबंध जिससे अगर एक वस्तु को लग किया जाए दूसरे का कोई भी महत्व ना हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी अस्तित्व ना रहे, उसको हम बोलते हैं समवाय संबंध, ठीक है। तो सेकेंड हमारी परिभाषा है अथ द्रव्य मिश्रता श्रेयम निर्गुणा निश्चयम गुणा, ठीक है, यानी कि जो अगुण हो, ठीक है, गुणवान हो या फिर द्रव में आश्रित हो उसको गुण कहते हैं, और द्रव से भिन्न गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इसको गुण का, इसलिए गुण को स्वयं निर्गुण कहते हैं। यानी कि यह द्रव के बिना, द्रव के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर द्रव है तो यह है, अगर द्रव नहीं है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी मान नहीं होता, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संख्या कितनी होती है गुणों की, किस दर्शन ने कितनी संख्या मानी है, तो हमारे आयुर्वेद में, ठीक है, 41, और जो चरक है हमारे आयुर्वेद ने और चरक ने दोनों ने एक ही मानी, ठीक है, और वैसे दर्शन ने 17, न्याय दर्शन ने 24, ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी कितनी संख्या होती है, देखिए सारथा इंद्रिय और वैशेषिक, ये हमारे गुण होते हैं 5, ठीक है, गुरुवादी शारीरिक सामान्य द्रव्य इनके पर्याय हैं, ठीक है, इसके गुण होते हैं हमारे 20 सॉरी, और अध्यात्म गुण है वो हमारी कितनी संख्या होती है 6, इसके बाद हमारे पराधी सामान्य गुण उसकी संख्या होती है 10। तो अभी इनको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी इनके नाम याद करने जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सारथा यानी कि इंद्रिय गुणों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रिय गुण के बारे में, ठीक है, सार्थक गुण भी जिनको बोलते हैं और वैशेषिक गुण भी जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन से होते हैं इंद्रिय गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 सबको पता होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पंच महाभूतों में प्रधान होने वाले गुण के कारण इनको हम वैशेषिक गुण कहते हैं। यानी कि इनमें हमारे जो पंच महाभूत प्रधान होते हैं, इस वजह से उनको नाम दिया गया यहाँ पर सार्थक, इंद्रिय और वैशेषिक गुण, ठीक है। तो हमारे यही है शब्द, इसकी परिभाषा क्या होगी, शब्द क्या होगा, हमारा जो श्रोत इंद्रिय के द्वारा गुण होगा, ठीक है, स्पर्श यानी कि जो त्वक स्किन के द्वारा जो भी सेंसेशन होगी, रूप यानी कि नेत्र के द्वारा जो भी ग्रहण होगा गुण, रस हमारा रस इंद्रिय द्वारा, और गंध हमारा घ्रहण इंद्रिय द्वारा, ठीक है। सो उसके बाद हमारे आते हैं गुरुवादी गुण, ठीक है, जिनको हम शारीरिक गुण, सामान्य गुण या फिर द्रव गुण भी बोलते हैं। ये हमारे 20 होते हैं, ठीक है, ये हमारे 20 होते हैं, आपको इस श्लोक के थ्रू याद करने हैं, ठीक है। गुरु मंद हिम स्निग्ध सांद्र मधु विस्तरा गुणा ससूक्ष्म विशुदा विशति स विपर्याय, ये आपका अष्टांग हृदय का श्लोक है, आपको अष्टांग की मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा गुरु का
और जो हमारे 10 गुण हैं ठीक है, इनको क्या करना है आपको, उसका अपोजिट गुण लिख देने हैं, तो हमारे 20 गुण हो जाएंगे। जैसे गुरु का लघु हो गया ठीक है, मंद का तीक्ष्ण हो गया, हिम का उष्ण हो गया, स्निग्ध का रुक्ष, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, और स्थिर का सर, सूक्ष्म का स्थूल, विशद का पिक्चल, और सलक्ष्म का खर। ठीक है, तो हमारे ये गुण हो गए अब एक एक करके। ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग से है। इसके बाद हमारे आध्यात्मिक गुण, अभी केवल नाम ही नाम बता दे रहा हूँ उनको, आध्यात्मिक गुण या फिर आत्मगुण इनको बोलते हैं। अच्छा होते हैं हमारे कौन से, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है, इसके बाद हमारे पराधि गुण जो हमारे 10 होते हैं, पर, युक्ति, संयोग, प्रतिकत्व, संस्कार, अपर, संख्या, विभाग, परिमाण और अभ्यास। ठीक है, तो हमारे जो 10 गुण हैं ये पराधि गुण होते हैं। ठीक है, तो गुरवादी गुण और पराधि गुणों को हम मिलाकर बोलते हैं सामान्य गुण। अब हमारे वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने गुण हैं, ठीक है, तो ये हमारा पूछ लेते हैं। 17 गुण होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, प्रत्यक्ष, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है, नया दर्शन के अनुसार 24 गुण हैं, तो हमारे 7 गुण इसमें और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन है और जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड होते हैं वही हमारे 24 गुण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे, देखिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, प्रत्यक्ष, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ठीक है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, और यहाँ तक तो 17 तक तो सेम ही सेम है। ठीक है, 17 तक है अपने सेम सेम, प्रयत्न तक यहाँ पर देखिए। इसके बाद हमारे ये 7 गुण और ऐड हो जाता है। ठीक है, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। ठीक है, तो ये हमारे जो है ऐड हो जाते हैं गुण। इसके बाद अब हम जो परिभाषा देखते हैं, क्योंकि चरक के अनुसार जो 41 गुण लिखने को आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इनकी क्या करके हम परिभाषा देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप उनको कंटेंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम शब्द देखते हैं, ये शब्द की उत्पत्ति कारण। ठीक है, लक्षण, स्पर्श, लक्षण आपको यानी कि परिभाषा ही लिखनी है उसमें एक तरीके की। ठीक है, तो शब्द गुण हमारा जो श्रुति के द्वारा ग्रहण होता है उसको शब्द गुण कहते हैं। स्पर्श यानी कि जो हमारे तो केंद्र के द्वारा ग्रहण होता है उसको स्पर्श गुण कहते हैं। ठीक है, स्पर्श के हमारे 3 टाइप बताए गए हैं, शीत, उष्ण और अनुशीत, यानी कि वहाँ ठंडा, गर्म, और जो ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। इसके बाद हमारा रूप है यानी कि जो नेत्र इंद्रियों द्वारा ग्रहण होता है और उसमें कौन से गुण रहते हैं यह हमें बताया गया है। इसके बाद हमारा रस, जो हमारे रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण होता है। ठीक है, इसके हमारे 6 भी होते हैं, सबको पता है आपको। ठीक है, इसमें हमारे कौन से महाभूत हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है गंध, गंध यानी कि जो हमारा घ्रहण इंद्रियों द्वारा होता है ग्रहण। ठीक है, वो गुण तो हमारा गंध कहलाता है। भेद हैं इसके 2, सुरभि और असुरभि, यानी कि जो सुरभि में होता है अच्छी खुशबू, और असुरभि यानी कि गंध, ठीक है, बदबू टाइप की, तो उसको बोलते हैं गंध। अब आते हैं हम गुरवादी गुण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको डेफिनेशन। ठीक है, उसके 2-2 3-3 पॉइंट और आपको एग्जांपल लिखना है। तो हमारे गुरुत्व तो क्या होते हैं, हैवीनेस यानी कि शरीर का भ्रंगण करते हैं। ठीक है, भारीपन लाते हैं शरीर में, भारीपन यानी कप पड़ाने वाले होते हैं। ठीक है, और हमारे जो कोई धातुओं का पोषण करते हैं। हमारा लघु गुण क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि हमारा हल्का प्रतीत करवाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे वायु और अग्नि महाभूत होंगे। ठीक है, और इसमें हमारा जल महाभूत होगा, और जो हमारे कफ को कम करेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पिपली, जटामासी, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। शीत गुण क्या होता है हमारा, शीत गुण यानी शरीर में उष्णता को कम करने वाला गुण, ऐसे ही उष्णता यानी कि शरीर शीत के विपरीत, यानी कि ये अगर उष्णता को कम करेगा तो ये हमारा उष्णता को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें हमारे महाभूत कौन कौन से होते हैं, जल महाभूत होते हैं, इसमें हमारा होता है अग्नि महाभूत। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से रस आ जाते हैं, मधुर, कषाय आ जाते हैं, और इसमें अम्ल और कटु आ जाते हैं। मुख कर्म इनका क्या है, ठीक है, तो मुख कर्म इसका है हमारा स्तंभन यानी कि रक्त प्रवाह को रोकना, शीत गुण का, और इसका है स्वेदन यानी कि स्वेदन करवाना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं चंदन, खस वगैरह, और इसके हैं मरीच, चित्रक। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्निग्ध और रुक्ष गुण। तो हमारा स्नेह क्या करता है, वस्तुओं में मृदुता तथा चिकनापन लाता है। ठीक है, स्निग्ध, और हमारा जो रुक्षत होता है वो हमारा कठोरता और शुष्कता उत्पन्न करता है शरीर में। ठीक है, और हमारे रस में कौन कौन से रस में रहता है, मधुर अम्लावण में रहता है स्निग्ध। ठीक है, और हमारा कटुतित कषाय में रहता है। इसके महाभूत कौन कौन से, ठीक है, इसमें हमारे पृथ्वी और वायु पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे घृत, तेल, वसा, मज्जा, और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे जौ, बाजरा, गोमूत्र आदि। ठीक है, तो जो हमारे रुक्षत गुण होते हैं वात को बढ़ाते हैं, कफ को कम करते हैं, और जो हमारे स्निग्ध गुण होते हैं वो वात को कम करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जल महभूत होता है। ठीक है, स्निग्ध वाले में कफ बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है मंद और तीक्ष्ण गुण क्या होते हैं। मंद और तीक्ष्ण गुण, जिस गुण के कारण शरीर का शमन कर्म हो जाता है। ठीक है, और तीक्ष्ण का जो तीव्रता से कार्य करने वाले होते हैं, तो हमारा पृथ्वी और जल। ठीक है, ये हमारे मंद गुण में होंगे महाभूत प्रदान, और हमारा जो भी तीक्ष्ण गुण है उसमें हमारा अग्नि रहता है। ठीक है, अग्नि हमारी क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है। तो ये हमारे मंद है यानी कि
इनमें जल महाबूत की दिखता है, तो कफ बढ़ेगा, पित्त कम करेंगे और ये इसके जस्ट अपोजिट होंगे। इसका मुख्य कार्य सामान्य और इसका शोधन है, ठीक है, प्योरीफिकेशन। इसके एग्जाम्पल हमारे गुड़ुची, वत्सलाम वगैरह, उसके हैं जायफल और पिपली, ठीक है। हमारा आता है स्निग्ध और स्थिरत्व, ठीक है, तो ये हमारे दो गुण एक साथ आएंगे, तो जिसमें गतिहीनता हो, ठीक है, स्थिर हो, जो भी मतलब कि मूवमेंट ना हो, और हमारा सेकंड है कि सरत्व, यानी कि जिसमें मोबिलिटी हो, चलना काम करता हो, ठीक है। इसमें हमारा पृथ्वी का विशेष गुण स्थिरत, और ये हमारा धातुओं का लेखन करता है, यानी कि स्क्रैपिंग करता है, ठीक है, धातु उनका। और इससे हमारे कफ बढ़ाने वाला होता है, पृथ्वी है तो, ठीक है, और हमारे बाद बढ़ाने वाला होता है। ये हमारा मधुर तृत कषाय में पाया जाता है, और ये हमारा अवल लवण कटु में पाया जाता है, ठीक, तीज गुण, ठीक है। इसका काम होता है बंधनों को ढीला करके शरीर से बाहर निकलना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसको जब वो ढीला करके बाहर निकलेगी तो हमारा सरत का ही काम होगा उसमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है हमारे जायफल, अश्वगंधा वगैरह, इसके हमारे अम्लता, स्वर्णपत्री वगैरह। इसके बाद हमारा मृदु, तो और कठिन गुण कौन कौन से होते हैं? मृदु यानी कि सॉफ्ट गुण होता है, ठीक है, अपना कोमलता देता है, और ये हमारा कठोरता उत्पन्न करता है कठिन में, ठीक है। इसमें हमारे आकाश, जल, ये मायभूत प्रदान होते हैं, और ये हमारे पृथ्वी गुण है कठिन, ठीक है। ये धातुओं को बढ़ाता है, और ये हमारा जो है मांस धातु को ढीला करता है मृदुत्व। इसका दाह पाक श्राव नाशक भी है ये, ठीक है। और ये हमारा इसमें मुख्य कर्म इसका क्या है? दृढ़ीकरण करना, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके एग्जाम्पल अरंड, तेल, घी, वसा, और इसका है प्रवाल, मुक्ता, शंख वगैरह। इसके बाद है विषद और पिशल। पिशलता यानी कि जो स्वस्थ स्वच्छता, यानी कि शरीर में जो है स्वच्छ करता है शरीर को, ठीक है। इसमें हमारे और हमारा जो पिशल है वो हमारा क्या करता है, जो शरीर में लेपन कार्य करता है, संधान जो जोड़ता है, ठीक है। और हमारा इसमें पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, महाभूत पाया जाता है। हमारा इसमें कुल जल महाभूत पाया जाता है। अब जल महाभूत है तो कफ बढ़ेगा, ठीक है, और ये हमारा कफ को कम करने वाला होता है, वात और कफ को कम करने वाला होता है, और हमारा कफ को बढ़ाने वाला और वात को कम करने वाला होता है। इसके बाद है हमारा बलनाशक तथा व्रण रोपण होता है। इसके एग्जाम्पल है मूंग और क्षार, और ये हमारे पिशल के गुण है, धातुवर्धक, बलकारक, जीवनी होता है। इसके गुण हमारे मलाई, दूध, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है संलक्षण और कर्कश। संलक्षण मतलब होता है चिकना, कर्कश होता है खुरदरा, ठीक है, दुखद स्पर्श। तो ये हमारा संलक्षण गुण अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, और ये हमारा वायु गुण इसमें प्रधान होता है, तो ये बात को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। पिच्छिल क्या होता है? स्नेह के साथ हमारी चिकनाई होती है, और संलक्षण क्या होता है कि हमारा स्नेह के बिना भी चिकनाई युक्त होता है, ठीक है। मुख्य काम इसका रोपण यानी कि हीलिंग करना, और उसका मुख्य कारण है अपना लेखन, यानी कि स्क्रैपिंग होना, बॉडी में पतला करना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है हमारे प्रवाल हो गया, और इसका हमारा कमलदंड, तो आप जो है याद कर सकते हैं। देन हमारा आता है सूक्ष्म और स्थूल गुण। तो सूक्ष्म यानी कि माइन्यूटनेस, ठीक है, जो सूचना कण सभी अवयवों को खोल देता है, उसको सूक्ष्म गुण कहते हैं। इसमें हमारे वायु, अग्नि, आकाश, महाभूत उपस्थित रहते हैं। ये बात बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, श्रोतोगामी होता है, और लघु पाकी जल्दी से पच जाता है। इसका मुख्य कारण है, मुख्य कर्म है इसका फैलाना, ठीक है, स्रोतों में जाकर फैलना। एग्जाम्पल है लबड़, पर्वत, कस्तूरी वगैरह। स्थूल गुण क्या है हमारा? जो अपनी स्थूलता कण स्रोतों को अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो रोके स्रोतों को, ठीक है, बंद हो जाते, बंद करे स्रोतों को। कफ बढ़ाने वाला होता है, विलंब से पचने वाला होता है, जस्ट इसके अपोजिट गुण होंगे, ठीक है। ये हमारा देर से पचता है, और इसका मुख्य कर्म है संवरण, यानी कि इकट्ठा करना। एग्जाम्पल हमारे दही, बेड़ा और श्रीखंड, ठीक है। इसके बाद हमारा सांद्रत्व और द्रवत्व गुण है, कि जो शरीर को स्थूल व स्थिर बनाए हमारा सांद्रत्व गुण है, और जो हमारा सूक्ष्म और सभी जगह व्याप्त हो वो हमारा द्रवत्व है, ठीक है। कफ ये बढ़ाने वाले होते हैं, ये हमारे कफ को कम करने वाले होते हैं, ये हमारे शरीर में धातुओं की वृद्धि को बढ़ाते हैं। ये हमारा कर्म है इसका स्थूलता, भ्रंगण, दोष, मलदिष्ठान। मुख्य कर्म है इसका प्रसादन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हमारे? मलाई और मक्खन। अब द्रवत्व गुण क्या है? कि जो गुण सभी सूक्ष्म जगह पर व्याप्त होने वाला हो, ठीक है, प्रवाही रस धातुओं को बढ़ाता है और मलों की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद है हमारा भेद, ठीक है। इसके दो भेद हो सकते हैं, सांसारिक, सांसिदिक और नैमित्तिक, ठीक है। तो सांसारिक यानी धर्म जलाएगा, जल महभूत जिसमें प्रदान होगा, और नैमित्तिक यानी कर्म यानी कि प्रतिभा तेज महभूत होंगे, ठीक है। इसमें कर्म हमारा क्लेदन और व्याप्ति। तो हमारा एग्जाम्पल इसका है मिक्सिंग करना, इसका मुख्य कर्म है, ठीक है, विलांटन, जल, दूध और गन्ने का रस। तो ये अपने आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, बुक वगैरह जो भी आपके पास हो आपको समझ में आ जाएंगे। देन हमारे आते हैं अध्यात्म गुण, जो भी हमारे रिलेटेड मन से होते हैं, ठीक है, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न आदि, ये हमारे जो है अध्यात्म गुण कहलाते हैं। सबसे पहले हम बुद्धि की बात करते हैं, तो बुद्धि हमारी होती है पाँच की, ठीक है, पाँच वर्गों में बांट गए, धी, धृति, स्मृति, अहंकार और चेतना, ठीक है। ये हमारी होती है पाँच टाइप की बुद्धि, ठीक है। और हमारी बुद्धि के दो टाइप हैं, स्मृति और अनुभूति। स्मृति यानी कि जो भी हम याद करते हैं, जो मेमोरीज वगैरह हमारी स्मृति के अंदर आती हैं, ठीक है, और अनुभूति यानी कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं।
दोनों के दो टाइप होते हैं ठीक है, यथार्थ और अयथार्थ, और यथार्थ और अयथार्थ ठीक है। यथार्थ मतलब स्मृति होती है कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें जब याद आती है उसको हम यथार्थ बोलते हैं, और जो भी मतलब कि जिसको किसी भी चीज़ को देख कर पुराने अनुभव को याद करके अगर पूरा एग्जैक्ट ज्ञान नहीं आ पा रहा है तो हमारा स्मृति वो हमारी अयथार्थ कराती है ठीक है, ऐसी हमारा अनुभूति होता है। इसका हमारा इच्छा गुण आता है कि इच्छा क्या होता है कि अपने या दूसरों के लिए किसी भी अपर्याप्त विषय की चाह होना हमारा इच्छा कहलाता है ठीक है। अब वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है ठीक है, तो हमारा इच्छा आ गया। द्वेष क्या है कि शरीर व मन में दाह होने के कारण समान महसूस होना द्वेष हमारा कहलाता है ठीक है। और ये हमारा क्या होता है स्मृति कारण आत्मवाय मन के संयोग होने पर उत्पन्न होता है। इसके बाद हमारा प्रयत्न यानी कि कार्य करने की इच्छा को हम बोलते हैं प्रयत्न ठीक है। धर्म से उत्पन्न होता है ठीक है, इसको सुख कहा गया है, और जो हमारा अधर्म से उत्पन्न होता है उसको दुख कहा गया है ठीक है। इसका हमारा परम द्वेष का विषय है दुख। और धर्म से पुण्य तथा पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, अतः धर्माचरण ही अर्थ सुख दुख की उत्पत्ति होती है। ये हमारे सुख के बारे में बोला गया है, दुख हमारी जो भी आत्मा और मन इंद्रियों के प्रतिकूल हो ठीक है, अपोजिट हो ठीक है, वो हमारा दुख कहलाता है। और ये हमारे अधर्म आचरण से यानी कि कुछ भी गलत काम करने से हमारे जो दुख की उत्पत्ति होती है ठीक है। अब हमारे आते हैं पराधि गुण, हमारे 10 होते हैं ठीक है। परपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रत्यक्ष प्रमाण संस्कार अभ्यास, जो चिकित्सक गुण होते हैं वो चिकित्सक गुण भी बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही चिकित्सक जो है चिकित्सा करके हमारे लोगों को शांत करता है ठीक है। पर यानी कि जो भी प्रधान होता है उसको पर बोलते हैं ठीक है, और अपर यानी कि जो अप्रधान होता है ठीक है उसको अपर बोलते हैं। संख्या हमारी क्या होती है, जो भी हमारा मान होता है, गणित संबंधी व्यवहार होता है, साधन होता है, उसको हम संख्या बोलते हैं ठीक है। युक्ति क्या होती है हमारा, कि जो हमारी देश दोष देश प्रगति काल के अनुसार औषध आदि का जो है सम्यक योजना बनाना, उसको हम युक्ति कहते हैं। कि किसी को हमें ये मेडिसिन देनी है, किसी को ये सीरप देना है ठीक है, तो वो चीज़ हमारी युक्ति के अंदर आएगी ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिसीज ठीक है। इसके बाद हमारा संयोग यानी कि दो वस्तुओं का आपस में संयोग होना ठीक है, वो हमारा कहलाता है संयोग, आपस में जुड़ना या मिलना। हमारे द्वंद्व कर्म जो सकता है, सर्व कर्म जो सकता है, और एक कर्म जो हो सकता है। द्वंद्व क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अगर द्रव्यों का संयोग हो, सॉरी जिसमें दो द्रव्यों का संयोग हो उसको हम द्वंद्व कर्म में जोड़ेंगे। सर्व यानी कि दो से अधिक, और एक यानी कि केवल एक, जिसमें हमारा एक एक्टिव द्रव्य हो और एक इनएक्टिव द्रव्य हो। ऐसे ही हमारा विभाग भी सेम टू सेम है ठीक है, जिसमें दो संयोगों दो वस्तुओं का अलग 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 होना हमारा विभाग कहलाता है। उसके भी ये टाइप है कि अगर दो से ज़्यादा दो वस्तुएं अलग हो रही हैं तो द्वंद्व, अगर दो से ज़्यादा वस्तुएं अलग हो रही हैं तो सर्व, अगर एक इनएक्टिव है और एक एक्टिव है, अगर वो आपस में अलग हो रही हैं तो हमारा विभाग हो जाएगा, एक कर्म हो जाएगा ठीक है। जैसे हमारा अगर पेड़ के ऊपर कौवा बैठ आकर बैठता है तो हमारा वो संयोग होगा, अगर वहाँ से उड़ जाता है तो वो हमारा विभाग होगा। अब हमारा पेड़ क्या है, इनएक्टिव है, और कौवा हमारा है एक्टिव ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब हमारा पृथक्त यानी कि पृथक गुण क्या होता है, कि जो सभी से अलग करे ठीक है, एक वही गुण जो एक दूसरे से आपस में भिन्न हो हमारा पृथक्त कहलाता है। इसके भेद हैं हमारे असंयोग लक्षण, विलक्षण और अनेकता रूप। तो हमारा है परमाणु गुण ठीक है। परमाणु क्या होता है कि मेजरमेंट यानी किसी भी द्रव्य को मापना ठीक है, लंबाई चौड़ाई ये हमारे जो है परमाणु के अंदर आते हैं, सभी द्रव्य में रहता है। अब हमारा संस्कार है कि अन्य गुणों में जैसे कोई भी हम संस्कार करते हैं, कर्म करते हैं, जिससे कि उनके गुण चेंज हो जाते हैं ठीक है। जैसे हम जैसे खाना बना रहे हैं ठीक है, तो उसमें हमने अन्न को हमने लिया या फिर सब्जी वगैरह कुछ हो गया उसको धोया या फिर छीला ठीक है, या फिर उसको मतलब कि अग्नि पर रखा ठीक है, उसको पकाया, तो वो हमारे सब जो है संस्कार के अंदर आती हैं ठीक है। तो जल का संयोग, प्रक्षालन, मर्दन, भावना आदि जो है हमारे संस्कार के अंदर आते हैं। इसके हमारे टाइप हैं तीन, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। इसके बाद हमारा अभ्यास, अभ्यास तो है बार बार अपना जो भी सेवन है ठीक है चीज़ों का, वो हमारा अभ्यास कहलाता है, वस्तुओं को बार बार करना ये हमारा अभ्यास कहलाता है। तो हमारा ये चैप्टर हो गया है गुण वाला कंप्लीट। आप उसके ऊपर बुक से रीड कर लिए, दरवाज आपको नोट चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8532059749। तो चलिएगा, इस मिलते हैं एक और स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।